मैंने कहा था सब ठीक है। हाय जुल्का, हाय रोज। हाय। ओह हेलो गर्ल्स। हाय। आई लव यू रोज, पहले कभी नहीं कहा ना? आई लव यू टू मैरिनेट। रोज तुम तो स्कूल की शान हो। तुम्हारे यहाँ रहने से स्टूडेंट्स का मूड 95% बेहतर हो जाता है। सही कहा मार्को। तुम वो सुर हो जो हमारे लाइफ के संगीत में खुशी मिला देता है। तुम लोग सच में कितने अच्छे हो, और तुमने सही कहा, हमें दूसरे से प्यार नहीं जताते। ओह आज के दिन की शुरुआत कितनी अच्छी हुई। थैंक यू, लेकिन ये इतना वजनदार नहीं है। पर तुम्हारे बैग उठाने से मेरे मसल्स बनते हैं। थैंक यू। ये बेंचेस कितने अनकंफर्टेबल हैं, इसलिए मैं सबके लिए ये बनाने वाली हूँ, और तुम इतनी लकी हो कि तुम्हें पहला वाला मिला है। थैंक यू। फिक्र मत करो, इस साल क्लास के सभी नोट्स मैं लिख कर दूंगा, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, पर मुझे अपने नोट्स खुद लिखना अच्छा लगता है। तुम मुझसे आगे जा सकती हो। रोज को जाने दो, सब हट जाओ और रोज को आगे जाने दो, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलेगी। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, है ना जुलेखा? चलो मेरे साथ। मैंने तुम्हारे बारे में बताया। तुमने बता दिया? ओह नो, अब तुम उसे कभी नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। जूल, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए था, मेरी वजह से तुम्हें फिक्र होने लग गई। एक बात कहूँ, मैं खुद ही संभाल लूंगी, मुझे बहुत पहले उन्हें ये सब बता देना चाहिए था। अब मैं उन्हें बता दूंगी तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हमें फिक्र हो रही थी, तुम्हें अंदर गए 4 मिनट्स 47 सेकंड्स हो गए, जबकि लोग बाथरूम में 3 मिनट्स 24 सेकंड्स से ज्यादा नहीं बिताते। मैं तो अभी दरवाजा तोड़ने वाला था, मैं अंदर कूद कर तुम्हें बचाने वाला था। मैंने सबको कितना फिक्र में डाल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया क्योंकि मेरी परेशानियाँ उतनी जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मैं उससे कैसे निपटती हूँ। और पता है मैं कैसे निपटती हूँ? उन्हें क्यूट से नाम देकर, हमेशा खुश रहकर, हमेशा तेज आवाज में गाना गाकर। बिल्कुल, और मैं वही रोज बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम मुझे अलग नजर से देखो, मैं चाहती हूँ तुम मेरे दोस्त रहो जो हमेशा हंसते हैं और मेरे साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, ना कि जो मेरा बैग उठाते हैं और ना ही मेरे लिए एम्ब्रॉयडर्ड कुशन बनाते हैं। मैं नहीं चाहती तुम मेरी फिक्र करो, क्योंकि मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। ओके, अब कभी एम्ब्रॉयडर्ड कुशन नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। और तुम्हारे बैग से मसल्स नहीं बनाऊंगा, और बिना जरूरत अपना प्यार नहीं जताऊंगी। वैसे मुझे तुम्हारा प्यार जताना पसंद है। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा।